अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशा शेख। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आजकल कुछ खाने भी नहीं को दिल नहीं कर रहा, तो ज़्यादातर जूसेस वगैरह ही पिए जा रहे हैं। और मेरा ज़्यादातर होता है कि आड़ू और आम का मिक्स करके, मतलब मिल्क नहीं ऐड करती मैं इसमें, मिल्क चेक नहीं होता, पानी डाल के मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है। और आपका जो ना ब्लड भी मतलब अच्छे से बनाता है, क्योंकि आजकल मुझमें ब्लड की बड़ी ही कमी हुई भी है। तो फिर मैं बड़ा आजकल सीरियस होकर ना अपना ख्याल रख रही हूँ, जो जो मुझे बताता है कि ये खाओ पियो, तो फिर मैं थोड़ी केयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों में मैं काफ़ी बीमार रही हूँ। असल में ना यहाँ मैं एक बात भी कहना चाहूँगी तमाम लेडीज़ से ना, हम लोग सारे घर वालों को तो ख्याल रख रहे होते हैं, बट अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। और मेरे साथ भी यही ही होता है ना, मतलब मैं सबको जूसेस वगैरह दे देती हूँ, अब्दुल्ला को जो पसंद, आरिफ को जो पसंद है, सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। जब मेरी ख़ुद की बारी आती है तो मुझे सुस्ती आती है, मुझे होता है यार कोई मुझे बना के दे दे, बनाने वाला कोई होता नहीं है। तो बड़ी सुस्ती की है मैंने फ्रूट्स खाने में, फ्रूट्स ख़राब हो के फेंक जाता था, लेकिन मैं नहीं खाती थी। और ना असल में ना मुझे आदत भी साथ में मतलब खाने की थी शुरू से ही ना, तो अकेले कुछ बस खाया नहीं जाता, दिल नहीं करता। पर अब मैंने सीरियस होके जो ना मतलब अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना शुरू किया, क्योंकि मुझ में ना काफ़ी सारी जो ना बहुत वीकनेस मतलब मुझे फील भी होती थी जब टेस्ट वगैरह करवाए, तो काफ़ी सारी चीज़ों की मुझ में कमी आई है, जबकि दिखने में बिल्कुल नहीं लगती कि ऐसी कि मतलब मैं अंदर से इतनी वीक हूँ। बल्कि मैं कहती थी कि यार मुझे अब जो ना ब्लड डोनेट करना है ना, बार बार मैं कहती यार मैं बहुत खून है। और जब मेरा टेस्ट हुआ है तो मेरा ब्लड सिर्फ 9 था, 9 पॉइंट कुछ था, तो काफ़ी कम था। उसकी वजह से मेरे हाथ जो ना बहुत सुन्न रहने लगे थे, मुझसे कुछ काम नहीं होता था, सो नहीं पाती थी मैं रात को सारी सारी रात। फिर बाहर मेरा ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट तो चला उसके बाद जो है ना, लेकिन आपने जो ज़्यादा मुझे असर किया वो डाइट ने मेरी असर किया ना। सो सारी लेडीज़ अपना ख्याल रखें, घर वालों को भी रखें, अपना भी रखें ना। और यहाँ पराठे बनने थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, हो जाते हैं, कभी दिल नहीं करता गर्मी में बनाने को, तो बस ऐसे ही टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, बट टेस्ट में अच्छे होते हैं। तो वैसे भी तोड़ के खाने होते हैं ना, तो कोई मसला नहीं है। तो इधर मैं पराठे बना रही थी, और मैं वैसे अच्छे पराठे भी बना लेती हूँ जब मूड होता है। तो खैर अंडे वगैरह बना रही थी, ये नाश्ते का टाइम है हमारे ना, तो बस अब नाश्ता भी थोड़ा सा हेल्दी लेने लगे हैं। खैर मैं तो ब्राउन ब्रेड के साथ कुछ अंडे वगैरह ले लेती हूँ, और कभी कभी दिल करता है तो पराठा भी खा लेती हूँ। और चाय, बस चाय होनी चाहिए, चाय भर के जो ना बस चाय होनी चाहिए सुबह में ना, कुछ ना बस चाय हो। तो सारी यही हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, और जो कि ना हम लोग को आदत पड़ी हुई है, तो हम लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं। तो खैर यहाँ पे नाश्ता तकरीबन मेरा रेडी होने वाला है। मैंने यहाँ पे सारी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, अंडे में जो है ना, क्योंकि हमें फ़ाइबर चाहिए होता है, फ़ाइबर हमें सब्ज़ियों से मिलता है और भी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है, तो हमें फ़ाइबर की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड करके अंडे को बनाया है, ताकि अंडा मतलब गर्मियों में इतना गर्म भी नहीं रहता है। फिर अच्छा यहाँ पर बन रहा है अब्दुल्ला का एक, अब्दुल्ला सिर्फ नमक का नमक डालता है इसमें, और बस ये ऑमलेट बन जाता है इसका ना, हमेशा से छोटा से उतना बड़ा माशाल्लाह हो गया, लेकिन उसको सिर्फ नमक वाला एक ही चाहिए होता है। तो हम इसको इसी तरीके से जो है ना ऑमलेट बना के मैं इसको देती हूँ, और ये यही इसको चाहिए, अंडा हो नहीं हो कुछ भी हो, मतलब इसे यही चाहिए होता है। और यहाँ जी ये मेरा एक तैयारी हो रही है, और बस तकरीबन हम लोग का नाश्ता जो है वो रेडी है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद भी काफ़ी सारे काम हैं तो वो करने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला ऑमलेट, बहुत मज़े का लगता है। और इसमें ना आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मैं अक्सर मेरा कभी दिल करता तो मैं ऐड कर लेती हूँ, अभी इस वक्त मैंने ऐड नहीं की हुई है, बट चीज़ अगर आप ऐड करते तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है और हेल्दी भी होता है काफ़ी ना। सो यहाँ हमारा यम्मी टेस्टी नाश्ता तैयार है, और अच्छा सा नाश्ता आप कर लें ना, तो फिर आपका दिन वैसे ही अच्छा गुजरता है। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं जो है अपना ड्राइंग रूम सेट कर रही थी, और मेरा
जो है ना टास्क ये है कि मेरे जो ड्राइंग रूम में बैठने की स्पेस भी ज़्यादा हो और एकदम ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भर गया है तो चलने की जगह नहीं है, क्योंकि रूम मेरे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, नॉर्मल हैं। तो इसी हिसाब से मैंने सेटिंग करनी है। और अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने विज़िट किया, काफ़ी विज़िट किया, काफ़ी सोफ़े हमें पसंद भी आए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बड़े थे, स्पेस ज़्यादा ले रहे थे और कुछ की क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी थी। अगर हम देखते थे कि यार स्पेस कम ले रहा है तो उसको हम देखते थे बैठ के, वो कंफर्टेबल ही नहीं होते थे उनमें, मतलब पता नहीं कौन से फोम यूज़ होते थे या कुछ था, तो फिर वो हम लोग को समझ ही नहीं आया। फिर काफ़ी ज़्यादा हमने सर्च करने के बाद हमें सोचा कि हम लोग ना खुद ही कस्टमाइज़ करवाते हैं अपने हिसाब से। तो फिर हमने जो है अपने जितने भी सोफ़े हैं वो हमने बनाए बनवाए और उसके साथ हमने पफ़ी सेट जो होता है ना वो अपने हिसाब से, बाज़ार में बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन हमने काफ़ी मतलब अच्छी स्पेस में बना लिया। मीन्स के वो आराम से 8 पर्सन तो उस पर बैठ सकते हैं, मतलब उस पर इतनी स्पेस है और काफ़ी मतलब उसकी जो है ना चौड़ाई भी काफ़ी है। बाज़ार में जो मिल रहे हैं बहुत छोटे छोटे और मतलब मतलब मिले इस तरह के नहीं है, मतलब उनमें बहुत अच्छा फॉर्म कपड़ा वगैरह हर चीज़ अपने कलर के हिसाब से तो अच्छे से चूज़ करके बना लिए। तो आर्या हमें बताया कि यहाँ पर कपड़ा मिलता है सोफ़ों का, तो हमने यहाँ से जो है कपड़ा अपनी पसंद से चॉइस किया, कलर वगैरह हर चीज़, और यहाँ पर फोम वगैरह भी अवेलेबल होते हैं हर तरह के। तो हमने यहाँ से सारा सामान ख़रीदा और अपनी मर्ज़ी का कपड़ा वगैरह फोम अच्छा मतलब हर चीज़ वगैरह हमने ख़ुद से कस्टमाइज़ करवाया, तो हमने हर चीज़ एक नंबर ही लगवाई। तो ये एक हमें सेटिस्फेक्शन है कि मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ बन गई है जो शायद 5 साल चलते चलती तो वो 10 साल चल जाएगी। और विज़िट भी हमने काफ़ी जगह किया, डाइनिंग रूम रेडी हुआ तो फिर लाउंज के लिए हमें सोफ़े चाहिए थे, वो उस हिसाब से चाहिए थे, जगह के लिहाज से चाहिए थे, टेबल चाहिए थी, तो सर्चिंग चलती रहती है। सैटरडे संडे जो हमें मिलता था हम डेली बेसिस पे, और अक्सर कभी तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती थी। और सर जैसे घर में पूरा मुँह घुसा दो, उसमें पूरा मुँह डाल लो। चलो भैया रेडी हैं अब्दुल्ला के पॉपकॉर्न, बहुत अच्छे से बनाए क्योंकि वेस्ट करी गई थी, इतने चुन्ने से बनाए हैं और इतने बड़ा ये था हमारा पॉपकॉर्न का। नहीं अब्दुल्ला आप ज़रा जल्दी से खा के भी दिखा दो, खाओ सारे खा जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा बना यम्मी है, एक में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी आप लोग के लिए लाई हूँ, जो कि मतलब मेरे बालों पे वर्क किए तो इंशाल्लाह आप लोगों के बालों पे वर्क करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे मामा अर्थ का है और कौन सा है ट्रिस्मे है, ट्रिस्मे का कंडीशनर है। खैर कंडीशनर को यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने एलोवेरा लेना है, मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लिया है। आप लोग जो बाज़ार का मार्केट का एलोवेरा होता है वो भी ले सकते हैं, मैंने लगाया था नीचे लॉन में लेकिन अब तो बेचारा जल गया है सारा, तो मैंने उसमें से लेके फ्रेश एलोवेरा बना लिया था। अब इसमें हमने डालनी है शक्कर, डालनी है 1 से 2 चम्मच, मतलब ये मेरे 2 बार आराम से यूज़ हो जाएगा। आप अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। 2 स्पून मैंने इसमें शक्कर डाली है। अब ये मामा अर्थ का हमारा जो है शैम्पू है, मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इस वक्त शायद मुझे डैंड्रफ हो रही थी तो फिर मैंने हेड एंड शोल्डर ही यूज़ किया है, ऑरेंज वाला ही मुझे सूट करता है, तो डैंड्रफ के टाइम यहाँ पर यही वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ट्रस्ट में से काफ़ी डैंड्रफ हो जाती है। तो फिर मैंने ये वाला इसमें शैम्पू ऐड किया है, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स अच्छे से कर लिया। उसके बाद आपने जो अपना हेड है उसको अच्छे से वॉश करना, उसको मसाज करना है, मतलब ये थोड़ा लिक्विडी टाइप होता है और इसमें आप पानी भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने अच्छे से, एक तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपके बालों में अगर डैंड्रफ है तो वो नहीं होगी, और अगर आप लोग को पता है थोड़ा बहुत भी तो शक्कर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो हमारे बाल बड़े ही अच्छे शाइनी खूबसूरत हो जाते हैं ना। और यहाँ पर लग रही थी हमारी गर्ल, उफ़ यकीन कर रहे हैं, मतलब एक काम क्या 100 काम कराते थे तो 100 काम और तैयार होते थे करवाने के लिए। सो इस टाइम हमारे गर्ल लग रही है, और घर में कोई होता नहीं था तो फिर अब्दुल्ला जो है ना हमारा
माशाल्लाह बड़े आदमी बने हुए हैं और ये लगवा रहे थे ग्रिल ना, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिल भी हमारी लग गई है। ग्रिल से हमारे ये प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब्दुल्ला उतरते थे या फिर कोई हमारे घर पर आ रहा है कोई बड़ा बुज़ुर्ग, तो बेचारा उनसे नहीं आया जा रहा था, तो हमने फिर जल्दी से फटाफट से अंदर आ जाओ अंदर आ जाइए। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने अच्छा करवा दिया, बहुत अच्छा करवा दिया। हाँ शायद बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। शुक्र है अल्लाह का, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला एक घर मेरे लिए रास लाए, हमें बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। और ये है हमारे घर के बाहर का व्यू, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रीनरी है, हवा है, वेस्ट ओपन है, तो आराम से बच्चे भी साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, खेल लेते हैं। अब करीब में पार्क वगैरह भी हैं तो वहाँ पर भी चले जाते हैं, तो इस चीज़ की हमें ना काफ़ी आसानी है। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम लस्सी मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बताया था किसी ने के बोन्स वगैरह के लिए आपके लिए लस्सी बहुत ज़रूरी है, दही लस्सी वगैरह, तो दोपहर के टाइम आप ये लें लाजमी, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोपहर में ही मैं इसको लेती थी, मैंने बहुत स्ट्रिक्ट अपने ऊपर ना मतलब तरीके से अपनी डाइट को मैंने मैनेज किया, और मैंने बस क्योंकि मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने मुझे 10 टेबलेट दी थी, ठीक है, उसमें नींद की, सुकून की, और वो टेबलेट्स मैं खाती 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 थी। उसके बाद 1 मंथ गुजरा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं था, ज़ीरो पे थी, मतलब मैं ज़ीरो फ़र्क था मुझे ना इतनी दवाइयाँ खाने के बाद। तो फिर मैंने अपने विल पावर से मैंने सोचा और बस दिमाग में बैठाया कि नहीं यार मुझे मतलब सही होना है, क्योंकि मेरी हालत ये हुई थी कि मैं 1 kg का भी कुछ उठा नहीं पा रही थी ना, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। सो सारी लेडीज़ से मेरी ये रिक्वेस्ट है और कि सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर वालों का भी रखें, अपना भी रखें, क्योंकि आप सही होंगी तो आपका घर का पूरा निज़ाम सही चलेगा। एक दिन भी अगर औरत बीमार होती है तो पूरा घर उल्टा हो जाता है, ना खाना, ना सफाई, ना बच्चों का ख्याल, कुछ ही नहीं रखा जाता। सो सबसे पहले आप अपना सुबह का नमाज का टाइम है, और अक्सर इतना लेट हो जाते हैं सोने में, तो फिर ये होता है कि नमाज़ पढ़ के ही सो, इस टाइम सो जाओ तो फिर उठा नहीं जाता नमाज़ के। देखें जी सुबह का मंजर, सुना जी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।